हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि दी दूरी के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ेंगे हम विद्युत दी दूर है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुवीय के विषुवतीय तल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम एक द्विध्रुव कल्पना करेंगे, एक द्विध्रुव पर विचार करेंगे, प्लस क्यों आवेश है, माइनस क्यों आवेश है। इसके निरक्ष पर क्या है, पी बिंदु स्थित है आर दूरी पर, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं, पहले इसमें पॉजिटिव है तो इसे विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर यानी E1 हो वेक्टर हो गया ये, और इसका देखते हैं ये हो गया अपने पास E2 वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव में विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी, पॉजिटिव में आई जाएगी और नेगेटिव में आएगी। देखो पॉजिटिव से जा रही है बाहर की ओर, ठीक है, और नेगेटिव में अंदर आ रही है। अब दोनों के बीच में सदिश है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इधर ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लस क्यू के कारण से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये दूरी हमने क्या मान लेनी है, 2a लेनी है। तो अपने पास ये क्या होगी, ए बिंदु बी बिंदु, ये ए हो गई दूरी और ये भी ए हो गई। तो ये दूरी अपने पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर का मापांक बराबर के क्यू बटे दूरी कितनी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर का मापांक बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, AP, एपी के अनुदिश। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E2 वेक्टर बराबर के क्यू बटे। इसी प्रकार से अपने पास क्या था, अंडर रूट है इसका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 वेक्टर का मापांक बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, इसकी डायरेक्शन है पी बी, पी से बी की ओर, पी बी के अनुदिश। अब देखते हैं कि अपने पास, देखो ये न तो विपरीत है और न ही एक डायरेक्शन में, इसका मतलब ये कुछ न कुछ कोण बन रहा है। तो ये मान ले थीटा, और ये कोण कितना हो गया थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा। अब क्या करते हैं, E1 और E2 को, E1 और E2 को घटकों में वियोजित करते हैं। तो इसके अपने पास थीटा है, तो ये हो गया इसका लंबवत घटक, और ये इधर हो जाएगा क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज किसका होता है, कोस का, E1 कोस थीटा, और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हो जाएगा E2 कोस थीटा,
और ये हो जाएगा e टू साइन थीटा। देखो इधर समीकरण एक और दो से देखते हैं ना, समीकरण एक व दो से e1 वेक्टर का परिमाण और e2 वेक्टर का परिमाण क्या है, बराबर है। अब क्या करते हैं, हम इनको घटकों में वियोजित करते हैं, किसको, e1 और e2 को। e1 और e2 घटकों में वियोजित करने पर पाते हैं कि अपने पास e1 साइन थीटा और e2 साइन थीटा परिमाण में क्या है, बराबर हो गए, क्योंकि e1 और e2 बराबर है तो परिमाण बराबर और विपरीत दिशा में हो गई, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और बचे कौन से, 37 घटक e1 cos थीटा और e2 cos थीटा, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल किस घटक के कारण से होगी, 37 घटक के कारण। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर बराबर E वेक्टर बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और माइनस P कैप। यहाँ माइनस पी कैप का मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर पी वेक्टर के विपरीत है। इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इधर है अपने पास, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और दूसरी द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो समझ में आ गई बात आपको कि अपने पास माइनस पी कैप क्यों आया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत है यहाँ पे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर आ रही है और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इधर, तो बिल्कुल विपरीत आ गए परिणामी विद्युत क्षेत्र से। अब देखते हैं और इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो इधर ई वेक्टर बराबर ई वन का परिमाण क्या है, ये रहा ई वन का, ये के क्यू, या पहले कॉस में कॉमन ले लूं, ई वन प्लस ई टू कॉस थीटा माइनस पी कैफ। अब ई वन और ई टू की वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, ई वन की वैल्यू है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ई टू की वैल्यू है के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोष्टक कॉस थीटा माइनस पी कैफ। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को कॉस थीटा की, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा अपने पास त्रिभुज ये ले लो चाहे ये ले लो कोई सा भी ले लो, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए लेंगे त्रिभुज ए ओ पी से, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है इसका, थीटा के पास वाला ए, और ये क्या है अपने पास कर्ण आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, या कह सकते हैं ए बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू। अब क्या करेंगे, ये मान रख देंगे, समीकरण नंबर चार आ गया होगा, ये समीकरण चार में कॉस थीटा का मान रखने पर ये करेंगे, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, टू के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोगुनी होगी, सिंपल सी थी ये तो। अब देखते हैं a बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस पी कैप। तो ये अपने पास इसकी पावर एक है, इसकी 1/2 है, तो अपने पास क्या होगी e वेक्टर बराबर 2kq बटे ये a है ही अपने पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 यानी अपने पास ये पावर माइनस पी कैप। अब देखते हैं इसका e वेक्टर बराबर के क्यू इंटू 2a, 2 को क्या कर दिया हमने a के साथ में लिख दिया है, बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस पी कैफ, ये हो गया अपने पास। आपको पहले बताया था कि अपने पास दी दूर है के बीच की दूरी क्या होती है अल्प होती है, इसलिए अपने पास क्या ले सकते हैं आर की वैल्यू क्या होती है ऐसे बहुत अधिक होती है, अतः ए स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। क्या करते हैं क्योंकि वैल्यू आर की बहुत ज़्यादा है तो अपने पास इस आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो ई बराबर ई वैक्टर बराबर हो गया अपने पास के, ये पता ही आपको क्या हो जाएगा p बटे आर स्क्वायर प्लस 0 3/2 माइनस पी कैप। क्यों? क्योंकि अपने पास p बराबर क्या होता है q इंटू 2a यानी कि दी दूरी के बीच की दूरी, अपने पास e वेक्टर बराबर के p बटे देखो पावर से कट गया तो अपने पास r क्यूब माइनस पी कैप, तो e वेक्टर बराबर हो गया माइनस के पी बटे आर क्यूब और पी कैफ। इसको हम लिख सकते हैं e वेक्टर बराबर माइनस के पी वेक्टर बटे आर क्यूब, ये आ गया अपने पास, क्योंकि अपने पास p वेक्टर बराबर होता है पी कैफ। क्यों? क्यों आपने एकांक सदिश पढ़ा था a के बराबर होता है a वेक्टर बटे a वेक्टर का मापांक यानी कि a वेक्टर बटे a, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा a a के। आई बात समझ में? इसलिए अपने पास ये वैल्यू। तो अब देखते हैं a वेक्टर का मापांक बराबर या प्रोपोर्शनल देख लूँ 1/r³ यानी जिस प्रकार से x पर विद्युत क्षेत्र 1/r³ था उसी प्रकार से इसमें भी 1/r³ आया है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि E वेक्टर का मापांक x बराबर E वेक्टर का मापांक निरक्ष क्या होगा दो गुना होगा, यानी कह सकते हैं x पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष से दो गुना होता है। इसी के साथ में अपने पास दी दूरवे के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट। अब पढ़ेंगे दी दूरवे पर बल आघूर्ण, दी दूरवे पर बल आघूर्ण कितना होगा, दी दूरी पर बल आघूर्ण। पहले हम बल आघूर्ण के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं, इसमें ये अपने पास क्या है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें क्या है एक दी दूरी है, ये दी दूरी हो गया अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच की दूरी 2a है, ये अपने पास यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र में है वो थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, तो ए बिंदु दे दिया इसको, बी बिंदु दे दे इधर, इधर सी बिंदु, तो इस पर आवेश बल लगेगा आवेश पर, तो ये किधर लगेगा इधर लगेगा, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई वेक्टर, और इस पर क्या लगेगा इधर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। तो
थीटा के सामने वाली ये अपने पास क्या हो जाएगी भुजा, यानी कॉस थीटा अपने पास ये लंब है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें बीसी और कर्ण क्या है ए बी, तो बीसी बराबर क्या हो गया ए बी साइन थीटा, ए बी की वैल्यू क्या है 2a, बीसी बराबर क्या हो गया 2a साइन थीटा। आई बात समझ में, ये तो अपने पास ये क्या हो गया 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हो गया। अब अपने पास क्या करना है, इस पे बल निकालना है, बल निकालने के लिए अपने पास ये दोनों वैल्यू आएगी। अब बल आघूर्ण कब उत्पन्न होता है ये बात करनी है, यानी जब दोनों बल परिमाण में बराबर हो और विपरीत दिशा में कार्यरत हो, परंतु उनकी क्रिया रेखा क्या हो भिन्न भिन्न हो, क्रिया रेखा क्या हो उनकी भिन्न भिन्न हो, तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो अब आपको दिख ही रहा है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर है, यानी डायरेक्शन क्या है विपरीत है, डायरेक्शन क्या आ गई विपरीत, और परिणामी बल क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि अपने पास परिणामी बल एफ बराबर क्या हो गया क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर बराबर जीरो। इसका मतलब कह सकते हैं कि बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण किसे व्यक्त करते हैं टाउ से, तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल का परिमाण, बल का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण कितना है क्यू ई, परिमाण लेते हैं तो क्यू वेक्टर, और ये हो गया टाउ इंटू टू ए और साइन थीटा। तो हम ले सकते हैं कि q इंटू टू ए, टू ए को साथ में लिख दिया e साइन थीटा, तो टाउ बराबर q इंटू टू ए, यानी कि बीच की दूरी p हो जाएगी e और साइन थीटा, क्योंकि आपको पता ही है p बराबर क्या होता है q इंटू टू ए, यानी कि बीच की दूरी अपने पास। तो सदिश रूप में लिखे इसको तो क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा अपने पास। अब इसी के साथ में ये कंप्लीट हुआ। इसकी विशेष स्थितियां देख सकते हैं हम, क्या जब थीटा बराबर कितना हो जीरो डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो जीरो, तो क्या हो जाएगा पीई साइन, पीई साइन जीरो बराबर जीरो। दूसरी बात थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, तो टाउ बराबर पी ई साइन 90 बराबर पी ई, ये क्या आ गया मैक्सिमम। दूसरा अपने पास थीटा बराबर कितना हो 180, तो वही बात है जीरो और एक अपने पास दूसरा देख। इसी प्रकार से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। तो कक्षा 12th का फर्स्ट चैप्टर अपने पास विद्युत क्षेत्र यानी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और किसी कोई समस्या किसी प्रकार कैसी भी हो उसको पूछ सकते हैं।